हाय एवरीवन, सो इस वाली वीडियो में एक बिल्कुल रीसेंट एक्सपीरियंस टेक महिंद्रा का हम शेयर करने वाले हैं। और ये रीसेंट एक्सपीरियंस है 2023 का, लास्ट मंथ का। तो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस एक बच्चे का है जिसका इंटरव्यू हुआ था टेक महिंद्रा में एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजिशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वन पूछा गया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जिसका आंसर दिया आई ब्रीफली गेव माई इंट्रोडक्शन, टोल्ड हिम अबाउट माई एकेडमिक बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो ये आंसर दिया था बच्चे ने। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो, स्ट्रेंथ वीकनेस बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता सकते हो, साथ ही साथ में आपने किन टूल्स टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया है। इसको सुनने में इंटरव्यूअर ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, किन टूल टेक्नोलॉजी पे आपने वर्क किया है, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, या आपका कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो वो आप बता सकते हैं। तो ठीक है, तो इस टाइप का कुछ जवाब आपको देना है, ठीक है? तो ये आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की सबसे पहले एक ओवरव्यू देनी होती है कि हमारा प्रोजेक्ट काम क्या करता है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को किस टूल और टेक्नोलॉजी से बनाया है वो आपको बताना पड़ता है। मतलब टेक स्टैक अपने प्रोजेक्ट का आपको डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है? अब उस टेक स्टैक को क्यों यूज किया, क्या एडवांटेज थे, वो आपको बताना है। प्रोजेक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है फिर वो बताना है, ठीक है? सो ये आपको ऐसे डिस्कस करना प्रोजेक्ट। अगर उसके बाद इंटरव्यूअर और ज्यादा इंटरेस्टेड होगा तो और ज्यादा क्वेश्चन आपके टेक स्टैक या प्रोजेक्ट से पूछ लेगा अपने आप। इतना आप बता सकते हो, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, टेक स्टैक, क्या एडवांटेज थे प्रोजेक्ट के, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज योर रोल इन द प्रोजेक्ट, इज देयर एनी डिफिकल्टी दैट यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर दिया माय रोल इन द प्रोजेक्ट वाज द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये आंसर दे दिया। एंड ये जो पूछा गया है कि इज देयर एनी डिफिकल्टी दैट यू फेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, तो देखो इसको आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ऐसी चीज पूछता है कि क्या कोई डिफिकल्टी फेस करी थी, क्या ऐसा हुआ, तो आपको ये पहले से प्रिपेयर करके जाना है कि आपने अपना जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया था उसका सबसे डिफिकल्ट मॉड्यूल क्या था, क्या कठिनाई आई थी, आपका रोल क्या था, आपने कैसे उस चैलेंज को फिर सही किया, ये भी आपको बताना पड़ेगा आंसर में। केवल ये नहीं कि ये डिफिकल्टी आई थी, उस डिफिकल्टी को आपने कैसे सही किया ये भी आप बता सकते हो। तो जैसे इसके लिए आप यूज कर सकते हो, मैंने दो तीन प्लेटफॉर्म की हेल्प ली, मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली, ये आप बोल सकते हो। या आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आ रही थी और आप क्यों उसको फेस कर रहे थे, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसमें डिफिकल्ट पार्ट क्या था, ठीक है? तो ये सब आपको बताना पड़ता है। फॉलोअप क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, व्हाट आर एचटीएमएल फॉर्म्स, सीएसएस लिंक्स एंड जेएस वैलिडेशन। अब ये तो देखो प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, उससे अब सेम चीज है। अगर आपसे आप अपना जो भी प्रोजेक्ट बताओगे तो उससे फॉलो अप क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपको अपना प्रोजेक्ट में जो टेक स्टैक है उसमें आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा और फिर इंटरव्यूअर आपसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। अब एचटीएमएल फॉर्म्स तो जो इससे पूछा था वो तो सिंपल ही चीज है कि एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होती है, सीएसएस लिंक्स क्या होती है, जेएस वैलिडेशन, मतलब वही फॉर्म वैलिडेशन वाली पूरी चीज इंटरव्यूअर ने बेसिकली पूछी। अब कैसे अपन इनपुट इनपुट लेते हैं, सीएसएस कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फिर अपन वैलिडेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अपन फॉर्म का इनपुट ले लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी या जैसे भी लेना चाहते हो, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करके, तो आप इनपुट ले लोगे जावास्क्रिप्ट में, फिर जो भी आपका वैलिडेशन लगाना है, डेटा में चेक करना है, जो भी करना है आपको, तो आप वो बता सकते हो कि उसके बाद उसको हम मैच करते हैं, क्या वो डेटा में स्टोर्ड है नहीं है, या फिर अगर लोकल में है तो लोकल में क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो आप ऐसा बता सकते हो। वॉट आर द फोर पिलर्स ऑफ ओप्स, एक्सप्लेन इट। तो देखो फोर पिलर ऑफ ओप्स आपको पता ही होगा, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस होते हैं। तो ओप्स बेसिकली आपको प्रिपेयर करके जाने होते हैं, तो ये तो इंटरव्यूअर ने पूछा था, लेकिन ओप्स से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इनसे तो चलो पिलर्स ऑफ ओप्स पूछ लिए, हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्शन इन डिटेल विद एग्जाम्पल, तो आपको पूरी एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ओप्स जितना भी है प्रिपेयर करना है पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, पूरा एग्जाम्पल्स के साथ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ओप्स, और एक एक चीज आपको इसमें बतानी पड़ेगी। तो ओप्स को तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आप रट के जाना है इंटरव्यू में, ठीक है? अगली बात करते हैं। तो अगला ये ग्रुप डिस्कशन नहीं है, ये इंटरव्यू ही है, इसका टाइटल गलत डला हुआ है, इंटरव्यू है, ठीक है? इंटरव्यू है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो जैसा ये भी क्वेश्चन ऊप्स का ही है, तो जैसे मैंने बोला ऊप्स से क्वेश्चन आते हैं, तो ऊप्स से तो कुछ भी आ सकता है, तो ऊप्स तो आपको पूरा ए टू जेड पढ़ के जाना पड़ेगा, बेसिक टू एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी वे टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो वही ऊप्स के ऊपर क्वेश्चन, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो ये दोनों आप कैसे कर सकते हो, फंक्शन ओवरलोडिंग से या ऑपरेटर ओवरलोडिंग से, या आपका जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो आप कैसे अचीव करते हो, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो
ये सब आपको पढ़ के जाना है, ये भी ऊप्स का ही पार्ट है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट आंसर, देर आर टू वेज टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ठीक है, नाउ इंटरव्यू. अब फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है ना, वो भी पढ़ के जाना है एक बार, कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है. ठीक है, तो ये सब भी ऊप्स के अंदर ही आ जाता है बेसिकली. नाउ इंटरव्यू स्टार्टेड अबाउट क्वेश्चन ऑन डीएसए. सो डीएसए से डरने की बात नहीं है, कि मतलब कैसा डीएसए, मतलब बेसिक चीज है डीएसए की, कि भाई स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है. तो ये मत समझना कि बहुत डिटेल में जाएगा. स्टैक क्यू वगैरह की फंक्शनैलिटी, मतलब स्टैक कैसे होता है, फीफो क्या होता है, ठीक है, फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है. अब फीफो लीफो जिनको नहीं पता, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये जो फंक्शनैलिटीज हैं, कैसे वर्क करती हैं स्टैक क्यू में, ये बेसिक क्वेश्चन. फीफो लीफो कैसे बनते हैं, लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, एरे के ऊपर लिंक्ड लिस्ट के क्या एडवांटेज है, थ्योरी क्वेश्चन. कोई भी ऐसा नहीं कि कोड करा लिया, बेसिक थ्योरी क्वेश्चन, ये लिंक्ड लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, तो ऐसा सब कुछ. नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट समथिंग विदाउट यूजिंग द मेन फंक्शन. इसको डायरेक्टली गूगल पर सर्च मारो, सिंपल सा क्वेश्चन है, मिल जाएगा. राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर स्ट्रिंग है वैलिड एनाग्राम और नॉट, ये भी गूगल पर सर्च मारो, सिंपल सा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, मिल जाएगा. ऑल इट एंडेड हियर, यहाँ पे इंटरव्यू पूरा खत्म हो गया. तो एक क्वेश्चन भी कोड करवा लिया था, तो ये आप देख के जाना कि बेसिक कोडिंग आपको आती हो. दूसरी बात, जो कोडिंग क्वेश्चन एक कोड कराया है, आप सर्च कर सकते हो TCS NQT शीट, कई बार मैंने बताया हुआ है, TCS NQT शीट, ये सर्च करना गूगल पे, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे. इसको सॉल्व करके जाओ, मोर देन इनफ हो जाएगा आपका कोडिंग क्वेश्चन सब कुछ निकालने के लिए, चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो चाहे इंटरव्यू हो, सब कुछ निकल जाएगा. 100 क्वेश्चन है TCS NQT शीट गूगल पर सर्च मारने का. तो एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, सो श्योर श्योर आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट माई फीडबैक एंड विच एरियाज आई नीड टू इम्प्रूवमेंट. तो ये पूरा इंटरव्यू रहा, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बताया, बट इससे आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या चीज़ें पूछते हैं. तो बेसिक चीज़ें जो आपको प्रिपेयर करके जानी है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट है, ऊप्स है, प्रोग्रामिंग है, मतलब प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग कोड वोड आपको थोड़े बहुत आने चाहिए, ठीक है, DBMS है, और अपना रेज्यूमे है, और बिहेवियर क्वेश्चन कुछ होते हैं ना अपन के, वो सब बिहेवियर क्वेश्चन, मतलब व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन अस, स्ट्रेंथ वीकनेस, ये सब. तो ये बेसिक क्वेश्चंस, तो इसकी शीट पिंड कमेंट में डाल दूंगा जिससे आपको मिल जाएगी, ठीक है. सो ये सब क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछते हैं. तो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.